उज्जैन किंगौरिया थाना क्षेत्र कड़ाई गांव में मामूली विवाद बना, जान का दुश्मन, आपस में हुई मारपीट। मारपीट के चलते लात घुसे और मार खाए हुए युवक की मौत हो गई। जैसे ही युवक की मौत हुई, गांव में सनसनी फैल गई और फिर इंगोरिया पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए और हत्या का प्रकरण दर्ज किया। मारपीट करने वाले लोगों पर इंगोरिया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि कढ़ाई गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष के युवकों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें पदम सिंह नाम के युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वजह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस सिर्फ मोहल्ले में रहने वाले युवक का और इन लोगों का सामान्य सा विवाद था, जो एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया और युवक की मौत हो गई। एक स्थान पर वॉशरूम यूज करने को लेकर था, जिस पर से विपक्ष की पार्टी ने उस पर और उसके लीवर में चोट लगी, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसमें टोटल 5 आरोपी हैं, जिसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। हिम्मत सिंह पिता राम सिंह आजना उम्र 34 वर्ष, अंतर सिंह पिता उम्र 36 वर्ष, धीरज उर्फ राजेश पिता के लीवर में चोट आने से मृत्यु हुई, जो हमें PM के बाद पता लगा। उस पर से 302 IPC दर्ज किया गया और इस पर से आगे कार्रवाई की जाए। 2020 को रात्रि के 9:30 बजे करीब ग्राम कड़ाई विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति पदम सिंह पिता करण सिंह आजना उम्र 35 वर्ष। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।